जो है ओल्ड सीरीज है पाइनियर की, मिलती 12 नहीं का, ये मिलती नहीं है, ये हमारे पास काफी स्टॉक में पड़ी है। ठीक है, भैया कैसी लगी आवाज? बढ़िया लगी। ठीक है, कि आप रेंट पे कैरियर भी देते हो? हाँ जी, हाँ जी, हमारा रेंट पे कैरियर, उसका हिसाब किताब बताओ कैसे उसमें होता है? क्या होता है, जैसे अब आपने कहीं छोटा प्लान कहीं कर लेते हैं, छुट्टी हाँ। आती है, कहीं जाते हैं, तो कई बार लगेज नहीं आता कार के अंदर, ऊपर तो, रखना पड़ता है, बिल्कुल उठना पड़ता है, तो उसके लिए फिर कैरियर लेना पड़ता है, परमानेंट फिक्स हो जाता है, लुक भी डिक्रीज के लिए हमारे पास अवेलेबल होगा, सारी गाड़ियों के लिए अवेलेबल है, जो आउटडेटेड मॉडल्स हैं कार के उनके लिए भी हमारे पास कस्टमाइज एंड्रॉइड रेडी पड़े, जैसे सेंट्रो ओल्ड होती है। So, hey guys, what's up? Back to my channel. आज हमारे साथ रहने वाले गुरप्रीत भैया। गुरप्रीत भैया हेलो कर दो पहले तो। हेलो फ्रेंड्स। गुरप्रीत भैया आज हम ऐसी कौन सी गाड़ी दिखाने हैं जिसमें धमाल है, मतलब थोड़ा ब्रीफ कर दो, थोड़ा मोटा मोटा बता दो, पूरा बता देना। फ्रेंड्स आज हम आपको सियाज दिखाएंगे 2019 जिसके अंदर हमने मॉडिफिकेशन करी है, छोटा छोटा काम है, एंड तक वीडियो देखिएगा। ऐसा काम है ना भाई जो आपने कहीं नहीं देखा होगा, एक आइडिया दे दे, ट्रक वाला हॉर्न लगा हुआ है इसमें, करते वीडियो स्टार्ट, मेक श्योर आपने वीडियो लास्ट से देखने, तो So guys, ये आ चुके मारुति सुजुकी सिया जिसकी हम बात करते हैं ट्रक वाले पोंपो हॉर्न की, जिसके पास आते आप हिल जाओगे साइड की तरफ, मैं देख पा रहा हूँ गुरु इसमें अलॉय लगे, फ्रंट से लेके एंड तक क्या क्या इसमें चीज हो रखी है, A to Z चीज समझाओ। राहुल जी इसके अंदर बहुत कुछ, बहुत सारे छोटे छोटे मॉडिफिकेशन हो रखे हैं, जैसे ये सबसे पहले ये बैजिंग हो रखी है, इसके अंदर DRL इंस्टॉल्ड है, ये देखोगे ये DRL है इसके अंदर रनिंग इंडिकेटर के साथ, समुराई लिप लगा रखा है, FBI फ्लैशर इंस्टॉल कर रखे हैं। भाई एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये जब लगा रहे हो तो चलान चुलन होगा तो आपके ऊपर डिपेंड हाँ, करता है, ये शॉक वाली बात है, शॉक वाली बात है, ये तो कस्टमर को खुद ही मैनेज करना पड़ेगा जो भी है। इसके अंदर हमने ये लाइट भी इंस्टॉल करी है अलॉयज के अंदर, इसका शॉट आपको रात का मैं दिखा दूंगा, अभी ऐसा जस्टिस नहीं हो पा रहा होगा, इंडिकेटर आप नोटिस कर पा रहोगे, रनिंग इंडिकेटर मिल रहे हैं इसमें आपको, साइड में जो टायर में मिल रहे हैं, मतलब टायर में भी आपको इंडिकेटर का काम करते हुए दिख जाएगा, इसका रनिंग शॉट रात का शॉट मैं आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट चीज की तरफ बात करते हैं भैया, इसके अंदर हमने टेंट भी कर रखा है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि बिल्कुल, तो भाई टेंट आप करा रहे हो, चलान जो भी होगा भैया की जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं भैया, मैं देख पा रहा हूँ इसमें पावर बेस की ब्रांडिंग हो रखी है, हाँ इसके अंदर पावर बेस का सेटअप लगा हुआ है, और पूरी कार डैम्प्ड है, अब जैसे ये देखो इसकी नॉइस देखो और इसको देखो, ठोस बिल्कुल, डेफिनेटली आपको जस्टिस हो पा रहा है। डैम्पिंग कराने का फायदा मैं आपको बताता हूँ भाई, गाड़ी में जब इतना अच्छा सिस्टम लगा रहे हो तो डैम्पिंग करा के काफी हद तक जो बाहर की साउंड है, रोड की नॉइस है, वो आपको फील नहीं होती, और मतलब एक तरह से लग्जरी टाइप फीलिंग आपको मिल जाती है। डैम्पिंग कराने का एक फायदा ये भी है कि अंदर जैसे सेटअप जब चलता है, अंदर का प्लास्टिक पैनल हिलता है, रैटलिंग नॉइस आती है, रोड नॉइस आती है, वो सब चीजें खत्म हो जाती है, काफी चीजों तक आप कंट्रोल कर सकते हो। और पीछे एक इसके अंदर बेंटले लाइट लगी हुई है, बेंटले लाइट, हाँ जी बेंटले लाइट, तो भाई जैसा कि आप नोटिस कर पा रहे होंगे, ये देखो काफी लुक को एनहांस करिए, रात में आपको लुक डेफिनेटली जस्टिस होगी। अब डिग्गी खोल के दिखा दे भैया, नहीं अभी पहले अंदर चलते हैं फिर चल। इंटीरियर की बात करो तो जैसे कि आप डोर पैनल वगैरह सब कुछ देख पा रहे हो कि ये पूरा स्टॉक है भाई, तो उसके स्टॉक के वुडन पैनल के हिसाब से यहाँ पे जो अपनी सीट कवर है वो एकदम सेम टू सेम एज इट इज, जो साइड की ट्रिम है वो भैया ने वुडन की ही रखी है। नीचे की बात करो गाड़ी में लगा रखे 7D के मैट, यहाँ पे करा रखी है फ्लोरिंग, फ्लोरिंग आज के टाइम पे नीड है क्योंकि भैया जितना गंदगी होती है वो हमारे ओरिजिनल कार्पेट पे ओरिजिनल मैट को गंदा ना करे इसी के ऊपर है, और स्मेल वगैरह भी नहीं आती क्योंकि ओरिजिनल मैट पे गिरता है तो उसमें स्मेल आ जाती है। वेंटिलेटेड टाइप सीट लगाई है हमारे गुरप्रीत भैया ने। सियाज में तो हम सीट कवर जो दिखा रहे थे, आपने मेरे को बाद में बोला कि एक सीट कवर में वैरायटी भी आती है, तो थोड़ा सा वो समझाओ, वो वैरायटी कहूं मैं क्या कहूं उसे, डिफरेंस भैया वो वैरायटी नहीं होती, एक्चुअल बकेट और नॉर्मल जो आजकल ट्रेंड चल रहा है बकेट का, उसमें फर्क आपको आज बता देता हूं क्या होता है। ठीक है ठीक है, जैसे ये कहीं भी जैसे आप जाते हो, मैं दोनों को देख पा रहा हूँ, दोनों सेम लग रही है, हाँ डिफरेंस देखने में बिल्कुल चीजें सेम लगती है, बट एक्चुअल में आपको फर्क समझाता हूँ क्या होता है। ये जैसे नॉर्मल मार्केट में बकेट मिलता है सीट कवर, चेन वगैरह होती है, उसमें क्या करते हैं लोग, इसको खोलते हैं यहाँ से, ठीक है ये सीट कवर निकालते हैं आपका, बिल्कुल ऐसे ये नेफे डले होते हैं व्हाइट रंग के, नेफे मतलब अच्छा मतलब ये इसके अंदर ये स्लॉट्स दे रखे होते हैं, उसमें लोग क्या करते हैं आपकी गाड़ी की सीट काटते हैं, उसमें से जेन्युइन वायर निकालते हैं, इसके अंदर डालते हैं और फिट कर देते हैं,
रॉड एक तरह से कह सकते हैं उसे। हाँ जी, ऐसी रॉड होती है जो गाड़ी की कंपनी सीट्स के अंदर आती है, ठीक है। उसको क्या करते हैं, इसमें ऐसे डालते हैं फिर इसको साथ में बकेट कर देते हैं। टाइम टू टाइम ये चीज वीक हो जाती है और कट जाती है। इसका मतलब डिसएडवांटेज क्या होती है? डिसएडवांटेज ये होती है कि आपकी गाड़ी की पहले तो सीटें काटते हैं, फिर उसमें से वायरिंग निकालते हैं और फिर फिट करते हैं, ठीक है। हमारी जो सीट कवर्स होते हैं अंदर क्या होता है, ये चीज सारी चीज ना फैक्ट्री फिटेड आती है पाइपिंग, इसे प्लास्टिक की रॉड्स कहते हैं। अच्छा, कंपनी तो लोहे की देती है ना शायद? हाँ, कंपनी लोहे की देती है, प्लास्टिक की होती है ना, खराब होती है ना कोई प्रॉब्लम आती है, ना ये बेंड होती है ना ये टूटती है। तो इसमें मतलब कंपनी की जो रॉड है हमें निकालनी पड़ेगी या नहीं निकालनी पड़ेगी? इसमें हमें निकालनी नहीं पड़ेगी, एज इट इज फिटिंग होगी, ना हमें कोई सीट में ऑल्टरेशन करनी पड़ेगी, इसको हम एज इट इज फिट करेंगे, ना इसमें कोई रिंकल आएगा और उसकी फिटमेंट भी जो है नॉर्मल बकेट से ज्यादा बेटर आता है। उसमें प्राइस में तो डिफरेंस सबको मिलेगा ही मिलेगा, ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क होता है, बट लोग कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ये चीजें नहीं करते। कई बंदे आजकल बकेट सीट कवर्स लगा रहे हैं या ब्रांडेड सीट कवर जितने आपने देखे होंगे या एक्सवाईजेड कोई भी शॉपिंग पर लगा रहा है, वो सब ऐसे ही करते हैं, गाड़ी की जेन्युइन वायरिंग निकालते हैं उसके अंदर डालते हैं और फिर फिट कर देते हैं। उसमें क्या होता है, कभी रिंकल आते हैं कभी वट आते हैं उसके अंदर, हमारी सीट कवर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपके साथ काफी सारी फोटो भी शेयर कर दूंगा जो भैया ने इसके साथ कर रखी है। और इसके अंदर हम पीछे ओएम फैब्रिक की बात करूं तो कौन सा ओएम फैब्रिक? कारपेट। अच्छा, लेदर नहीं चढ़ाते हम इसके? लेदर नहीं चढ़ाते। लेदर का क्या होता है, डिसएडवांटेज ये होता है कोई सामान आप रखोगे या कोई शार्प चीज होगी वो कट जाएगा, नुकीली चीज जो साइड से होगी, जैसे हम लगेज रखते हैं लगेज का कुछ कोना लग के वो कट जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये कारपेट में ये प्रॉब्लम नहीं आती, इसे हम ओसीपी स्टाइल कहते हैं। ओसीपी स्टाइल मतलब थोड़ा ओरिजिनल कंपनी फिटमेंट। अच्छा, ओसीपी। अगर किसी को सीट कवर चाहिए तो बोलना पड़ेगा ओसी पैटर्न मेरे को चाहिए, बोलना पड़ेगा स्पेसिफिक कि ओसीपी पैटर्न के अंदर हमें बकेट करानी है, वरना भैया के पास तो काफी सारे, अगर आप ये मांगोगे तो ये भी मिल जाएगा। देखो जैसी कस्टमर का टेस्ट होगा, जैसा बजट होगा वैसा काम हो जाएगा। तो भाई ये तो मैं कहूंगा कि करा सकते हो, मेरे को भी नहीं पता, मेरे गुरप्रीत भाई ने बताया कि ये भी हो सकता है। भैया मैं देख पा रहा हूँ इसमें पायनियर का स्टीरियो है। हाँ, कौन सा मॉडल रहने वाला भैया? 5190 है, अब तो शायद आता नहीं है। हाँ, ये अब आता नहीं है, बट कस्टमर के पास पुराना पड़ा हुआ था तो फिर हमने पायनियर स्टीरियो की बात कर ली। अब नेक्स्ट चीज क्या लगे भैया गाड़ी में? इसके अंदर ये ओल्ड स्कूल इक्वलाइजर और डीएसपी भी इंस्टॉल करा है साथ में, मतलब दोनों लगे अपने। हाँ, दोनों लगे साथ में, कस्टमर को शौक था कि दोनों चीजें मेरे को चाहिए। एक बार मैं आपको पास से दिखाऊं तो भाई पायनियर का रहने वाला है पूरा, ये तो मिलता नहीं है भैया। हाँ, ये पड़ा हुआ था हमारे पास, तो भैया कहते कि मेरे को ये ऐड ऑन करना है अपनी गाड़ी में, तो ये हमने ऐड ऑन करा। तो मतलब जो भी रेयर चीज है हमको मिलती नहीं है, भैया के पास वो आपको आके मिल जाएगी। ट्राई करते हैं हम भी कि कस्टमरों को थोड़ा यूनिक दीजिए। नेक्स्ट चीज में देख पा रहा हूँ भैया सेंट्रल लॉकिंग का रिमोट है क्या उधर? नहीं नहीं, ये रिमोट जो है आगे फ्लैशर जो लगे ना उसको कंट्रोल करने के, पुलिस लाइट बेसिकली। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कस्टम पॉड में आपने बना रखे बुलेट ट्विटर्स। हाँ जी भैया। ये पंक ऑडियो के अपने? हाँ जी, ये पंक ऑडियो की है, उसमें सारा फाइबर का काम हो रखा है, उसके ऊपर लेदर रैप हुआ है। अच्छा, तो ये काम करने में हमें 2-3 दिन का टाइम चाहिए होता है। अगर मेरे पास ऑल्टो गाड़ी है तो उसके बन जाएंगे? किसी के भी बन जाएंगे, किसी के भी बन जाएंगे। तो भैया इतना इंतजार करा रहे, डिग्गी भी दिखानी हमने, साउंड सुनाते हैं गाड़ी में कैसे। फ्रंट में क्या चल रहा है भैया अपना? फ्रंट में आगे चल रहे हैं पावर बेस के कॉम्पोनेंट, ठीक है, और पीछे चल रहे हैं मिड बेस लगे हैं पंक ऑडियो के, ठीक है। तो एक बार गाड़ी बंद करते हैं और आपको आउटपुट सुनाते हैं कैसी आउटपुट गाड़ी की आ रही है। यहाँ पे सुनाऊंगा आपको NCS। मेक श्योर मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे पंजाबी गाना नहीं सुना सकते हम लोग। I was not
साउंड सुना दी, सब कुछ सुना दिया। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इतने सारे स्विचेस, ये दो लाल लाल स्विचेस क्या है भैया, थोड़ा समझाओ। ये इसके अंदर दो प्रेशर हॉर्न लगे हैं। अच्छा ठीक है, ये तो स्विचेस के हैं, जैसे ये हम तो आप ऑन करेंगे ट्रक वाला हॉर्न। ट्रक वाला हॉर्न तो अभी आप पीछे चाहिए। तो भाई पीछे आता हूं तो भाई अगर आपने ये हॉर्न सुन लिया तो आप दुनिया भूल जाओगे। ये प्रेशर हॉर्न किसी भी गाड़ी में लग सकता है। हाँ जी, किसी भी गाड़ी। अब डिग्गी दिखाए थे भैया, तो भाई यहाँ पे डिग्गी आ चुकी है। क्या है भैया, थोड़ा समझाओ। भैया ये इसका कंप्रेसर होता है। अच्छा, जिसके अंदर ये एयर हवा भरती है। ठीक है, ये हमने इन्फ्लेटर लगा रखा है जो हवा इसके अंदर डालता है। फिर ये प्रेशर हॉर्न है क्योंकि इसमें काफी प्रेशर चाहिए होता है। अच्छा, तो ये किसी भी गाड़ी में लग जाएगा। हाँ, किसी भी गाड़ी में। स्पेस होनी चाहिए, बट इसमें थोड़ी स्पेस डिग्गी जाती है, बट डल जाता है। नॉर्मली हम इसको थार जिप्सी इनमें लगाते हैं। अच्छा, भैया की रिक्वायरमेंट थी मेरे को अपनी गाड़ी में कुछ ऐसा स्पेशल चाहिए, तो ये इंस्टॉल करा। तो अगर आपने ये गाड़ी में लगा लिया तो भाई पूरी रोड आप ही की है ना भैया। एक्चुअली आजकल रूट्स बंद हो गए ना, तो नया चाहिए था, तो फिर नया ये लगाया। भाई साहब, वूफर की बात करना चाहूंगा, पोल कॉडियो को दिख रहा है इसमें। हाँ जी, पोल कॉडियो के दो वूफर है। कितने आरएमएस चल रहा है गाड़ी में? 400 आरएमएस पर वूफर है, दो 800 आरएमएस के वूफर। 800 आरएमएस गाड़ी में अपने वूफर चल रहे। पीछे की बात करूं, छोटी मोटी चीज, रिफ्लेक्टर लगा रखे इसमें। इसमें काफी सारे डिजाइन हम लोग के अवेलेबल है। हां, काफी डिजाइन अवेलेबल है। जैसा कि आपने सियाज पूरी दिखा दी होगी गुरविंद भैया, अब मोटी मोटी बात आ रही है, सबके मन में डाउट होगा, इतनी अच्छी सियाज विद ट्रक वाला हॉर्न, इतने यूनिक चीज आपने देखी होगी। भाई मैं तो सामने से हिल गया था। आई होप आपको वीडियो में जस्टिस हो पा रहा हूँ। कॉस्टिंग जाना चाहिए, अप्रोक्स कॉस्ट कितनी लगी सियाज? तो सियाज में सब कुछ मिला के अप्रोक्स इसके अंदर 70-80 हजार रुपए लगे थे। इसमें ट्रक वाला हॉर्न भी लगा है, पूरी कार टैंप भी हुई है, और डबल सब लगे हैं इसके अंदर, एम्पलीफायर, डबल मोनो ब्लॉक डिजिटल एम्पलीफायर लगे हैं। वो तो सब कुछ आपने देख लिया होगा। और यहाँ पे हमने काफी रेंज निकाल दी आपके स्टीरियो के लिए भाई, उसमें तो स्पाइनेट था। अब स्पाइनेट जिसको लगाना वो साउंड क्वालिटी पे जाता है एकदम। अब बट सबकी साउंड क्वालिटी के सबको ये चलती फिरती गाड़ी, मेरे को यूट्यूब चलाना भैया, तो ये सारे एंड्रॉइड स्टीरियो रहने वाले सब जगह। तो आपने 9 इंच के स्टीरियो देखे होंगे, स्विफ्ट जैसी गाड़ी के लिए हमारे पास 11 इंच के अंदर भी पड़ा होगा, 11 इंच के लिए भी पड़ा होगा, जो कहीं आपने नहीं देखा हो। 11 इंच का कौन कौन सी गाड़ी में लग सकती है? सेल्टोस मिल जाएगा, ये बिल्कुल लेटेस्ट एड ऑन है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास न्यू स्विफ्ट मिल जाएगा, आपके भाई के पास गाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मली जो मार्केट में बिक रहे हैं आजकल 9 इंच के अंदर बिक रहे हैं, हमारे पास 11 इंच के अंदर भी अवेलेबल है। होंडा सिटी भी अवेलेबल है, और ये सब रेडी स्टॉक है, ये नहीं कि कहीं से मंगाना या कुछ करना, सब रेडी। जो भाई की नीड होती है कि मैं बिल्कुल 9 इंच से प्लस स्क्रीन में बिल्कुल बिल्कुल, तो 11 इंच की स्क्रीन एक तरह से हमारे चलता है, मतलब आईपैड रहने वाला। टच की बात करूं तो यहाँ पे जैसे कि आप टच देख पा रहे हो भाई, टच मेरे फोन से भी ज्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत स्मूथ टच है भाई। वारंटी कितनी मिलती है हमें? 1 साल की वारंटी रहेगी सभी प्रोडक्ट, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आए पूरी सर्विस मिलेगी आपको, कोई पैसे नहीं पे करने आपने। के बाद भी अगर 1 साल के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये हमारे सर्विस सेंटर में जाके ठीक हो सकता है। अच्छा, ये तो गुरप्रीत भैया हमने बड़ी बड़ी गाड़ी दिखा दी, किसी के पास ऑल्टो गाड़ी, किसी मारुति 800 है, उसके लिए हमारे पास अवेलेबल होगा? सारी गाड़ियों के लिए अवेलेबल है, जो आउटडेटेड मॉडल्स हैं कार के उनके लिए भी हमारे पास कस्टमाइज एंड्रॉइड रेटिंग पड़ेगा। जैसे सेंट्रो ओल्ड होता, अब वो उनका छोटा सा होता है उसमें लग नहीं सकता, अब उनके उनको भी तो मतलब काटना पड़ जाता है, काटना पड़ जाता है, ऑल्टरेशन करनी पड़ती है। हम आपको फोटोज दिखाएंगे जो हमने फिट करा है 9 इंचेस। अगर आप कस्टमाइज स्टीरियो कोई से भी गाड़ी का फिट कराना चाहते हो तो भाई आपने कुछ नहीं करना, गुरप्रीत भैया के पास आना है। कोई सी भी गाड़ी हो चाहे नैनो ले आओ, भैया फिट करके आपको दे देंगे। एंड्रॉइड स्टीरियो की तो हमने बात कर ली थी, तो अब बेसिक सेटअप पे आते हैं। स्टीरियो तो हमने लगा लिया, यहाँ पे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हमने निकाल दिया, मतलब यहाँ तक हमने आप सबके लिए निकाल दिया। तो फर्स्ट आती है डैम्पिंग, गाड़ी में डैम्पिंग कराना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे जितनी गाड़ी आपने देखी होगी वो हल्की क्वालिटी की दे रहे हैं, तो उसमें डैम्पिंग का फायदा क्या होता है? चाहे 5,000 रुपए आप एक्स्ट्रा दे दो, बट डैम्पिंग के बाद जो आपका दरवाजा है वो एकदम सॉलिड टाइप हो जाता है, जो बाहर की नॉइज है वो हमको फील नहीं होगी। ऐसा नहीं कि पूरे हद तक बंद होगी, बट एटलीस्ट 70-80% तक आपको लग्जरी गाड़ी में ऐसी फीलिंग आती है, उस तरह की सिमिलर फील आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे दो डैम्पिंग अपने पास है। तो गुरप्रीत भैया, सियाज में जो करी अपने डार्क मैट की करी, बिल्कुल, इसकी कॉस्टिंग कितने से स्टार्ट हुई थी, थोड़ा कॉस्टिंग बताओ भैया। वैसे तो डैम्पिंग जो कॉस्टिंग आती है, जैसे चाइनीज डैम्पिंग जो आती है आजकल मार्केट में बिक रही है, उनकी रेंज स्टार्टिंग हो जाती है करीब 300-350 रुपए से। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, वो मेल्ट हो जाती है, स्मेल करती है कार के अंदर। ये हमारे पास ब्रांडेड डैप मैट की डैम्पिंग है, और पंक ऑडियो की है, आजकल काफी बूम है इनकी। अब जैसे हैवी सेटअप लगते हैं करीब 1,000-2,000 आरएमएस में, तो उनमें ये डैम्पिंग यूज करते हैं क्योंकि हैवी होती है, ब्रोटाइल काफी हैवी है इसका, मेल्ट नहीं होती। पंक ऑडियो की जो डैम्पिंग है, इसकी क्वालिटी ये OEM सप्लाई होती है टोयोटा के अंदर,
इसकी जो प्रोटाइल है स्मेल वगैरह नहीं रहती, रैटलिंग नॉइस बिल्कुल खत्म हो जाती है, अंदर कैबिन बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप प्रीमियम कार के अंदर बैठे हैं। ऑडी मर्सिडीज एक तरह सिमिलर फीलिंग आपको मिल जाएगी छोटी गाड़ी के अंदर। नेक्स्ट इसकी तरफ आते हैं, चलो स्टीरियो हमने लगा लिया, डैम्पिंग भी करा ली, तो हमें स्टॉक स्टीरियो में चलाना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट लेने वाले? आजकल की जो गाड़ियां आ रही है उनके अंदर कंपनी फिटेड स्टीरियो आते हैं, उसमें मजा ही नहीं आता, बिल्कुल मजा नहीं आता, बट उनकी जो खूबसूरती है वो स्पॉइल हो जाती है कई बार आफ्टर मार्केट स्टीरियो लगाने से, इसलिए आजकल एंड्रॉइड में लोग शिफ्ट होते हैं। बट क्या होता है कि लोगों को वो जो स्पीकर्स होते हैं वो थोड़े इतने अच्छे नहीं लगते, साउंड इतना मजा नहीं आता, बिल्कुल सही, तो फिर एम्पलीफायर एड ऑन करने पड़ते हैं उसके लिए। बट एक बाद में प्रॉब्लम ये आती है, कंपनी वाले कहते हैं कि आप घर बाहर से कोई भी काम कराते हो आपकी वारंटी लैप्स, सबसे पहले छूटते ही बोलते हैं कि आपकी वारंटी खत्म हो जाए। अब गाड़ी है लोग उसकी 5-5 साल की वारंटी कराते हैं, 6 लाख की गाड़ी ले रहा कोई बंदा 5 साल की वारंटी भी करा तो काफी डर सा रहता है, वो थोड़ा डर खत्म करने के लिए आपको घर पे भी सब जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कई बार क्या होता है लोग रेट पे जाते हैं कि ये रेट यहाँ पे ऐसे है वहाँ पे ऐसे है, क्या होता है कि उसके अंदर प्रोडक्ट्स लगते हैं इसलिए रेट का थोड़ा फर्क होता है। हमारे पास हर गाड़ी के ओईएम कपलर्स है जिसके अंदर आपकी गाड़ी में कोई भी गाड़ी की हार्नेस के अंदर टेम्पर नहीं होगा, सब कपलर टू कपलर फिटिंग होगी, आप जैसा सेटअप लगाना चाहो आप लगा सकते। इसके अंदर हमारे पास ये एडॉन्स अपने आईलो कन्वर्टर्स है, इसके अंदर आप एम्पलीफायर जब ऐड करोगे तो जो बेस इफेक्ट जो क्लैरिटी आप जैसे चाह रहे हो वैसे आपका हो जाएगा। इसमें हमने इतनी सारी वेरायटी क्यों निकाल रखी, जैसे आपको पता है चाय में हम जितनी चीनी मिलाते रहेंगे उतनी मीठी होती रहेगी, तो वैसे जितने पैसे आप मिलाते रहोगे उतनी चीज वो महंगी होती रहेगी, क्वालिटी में फर्क आपको मिलता रहेगा। और नेक्स्ट इसकी तरफ चले, यहाँ पे साउंड प्रोसेसर जो की मिलता नहीं है कहीं, अपने गुरप्रीत भाई के पास जो सामान मिलता भी नहीं है ना भाई वो सारा सामान मिल जाएगा। गुरप्रीत भाई थोड़ा समझाओ जरा, ये जो है साउंड प्रोसेसर ये जैसे इसका एक नेक्स्ट स्टेप है, ऐसे सेटअप लगा के चलाते हैं उसके बाद कहते हैं कि हमें मजा नहीं आ रहा, हम सेटिंग नहीं कर पा रहे स्पीकर्स की, पर चैनल पे कितनी आउटपुट चाहिए, कितना स्पीकर हमें आगे के ज्यादा चाहिए पीछे के कम चाहिए, अपने सब ओवर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये लगाने के बाद ये सारे फीचर जैसे जो आपके आफ्टर मार्केट सीरो के अंदर आते हैं वो आप अपने कंपनी फिटेड के अंदर यूज कर सकते हो। ये पाइनियर का प्रोसेसर है 1000 नंबर, मतलब हमारे कंपनी फिट स्टीरियो में भी चल जाएगा और आफ्टर मार्केट स्टीरियो में तो चली जाएगा। और इसको कंट्रोल करने के लिए कोई आपको लैपटॉप नहीं चाहिए, अपने फोन से अपने स्मार्टफोन से आप इसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी तरफ आते गुरु धमधम मचाता है आप लोग के लिए निकाल रखे भाई, ये जो है ओल्ड सीरीज है पाइनियर की, मिलती है ये मिलती नहीं है, ये हमारे पास काफी स्टॉक में पड़ी है, किसी को भी चाहिए वो रेडी है। एक मिनट आपको रोक के बताना चाहूंगा कि गुरप्रीत भैया के पास जब मैं आया तो भाई मैंने कहा कौन सा वूफर चल रहा है गाड़ी में, बाहर गाड़ी थी, तो इन्होंने बताया न्यू वूफर नहीं है पुराना वूफर है जो मिलता नहीं है, पाइनियर का जो सब वूफर हम लोग ढूंढते रहते हैं जो मिलते नहीं है। गुरप्रीत भैया के पास एक बार आओ, वैरायटी देखो भाई सब वूफर में, आपको जो ढूंढ रहे हो ना वो क्या पता आपको यही मिल जाए। ये कौन सा मॉडल है गुरप्रीत भैया? ये भी 11-12 मॉडल है D4 पाइनियर का, मेरे ख्याल से 400 वाट आरएमएस है, 400 वाट आरएमएस का, बट ये 1.5 साल से डिसकंटिन्यू हो गया था क्योंकि नई सीरीज आ गई थी पाइनियर की, बट उसमें वो फील नहीं है वो मजा नहीं है, ये पुराने में मजा ना वो किसी आज के पुराने में जो मजा है वो नए में है। काफी सारी वायरिंग हम लोगों ने आप लोग के लिए निकाल रखी, 4 गेज हो गई, मैक्सलिंक की हो गई, सर्विस मेगा की हो गई, मतलब किसी को कॉम्प्रोमाइज ना हो कि हमारे पास वैरायटी नहीं है, तो थोड़ा समझाओ भैया। भैया हमारे पास सभी तरीके की वायरिंग है, ये एटलीस्ट जो एक एम्पलीफायर में लगनी चाहिए ये वो वायरिंग है, जैसे ये 4 गेज है मैक्सलिंक की, इसकी भी 1 साल की वारंटी रहेगी आपकी, उसके बाद सर्विंग मेगा में भी 2 मॉडल मिल जाएंगे, ये मोनो एम्पलीफायर के लिए होती है, ये 4 चैनल के लिए होती। देखो भाई सीधी सिंपल बात है, जितने आप पैसे मिलाते जाओगे ना उतनी आपको चीज अच्छी मिलती है। वायरिंग हमने दिखा दी, हर रेंज की वायरिंग है, सस्ती सस्ती है सस्ती मिल जाएगी, महंगी से महंगी चाहिए वो तो अवेलेबल है हमारे पास। नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं, ये हमने एम्प की दुनिया खोल रखी है यहाँ पे, थोड़ा समझा। ये भैया पंक ऑडियो का 4 चैनल एम्पलीफायर है, जैसे लोग आजकल चाइनीज एम्पलीफायर लगाते हैं तो हम उनको रिकमेंड नहीं करते कि चाइनीज पे जाइए, आप उससे बेटर है आप पंक ऑडियो लगाइए, ब्रांडेड एम्पलीफायर है, पाइनियर है हमारे पास, पॉल ऑडियो के सारे एम्पलीफायर रेडी स्टॉक है। उसके बाद आपके मोनो एम्प मिल जाएंगे आपको, अगर आप सब वूफर लगाते हो ऐसा 12-11 D4 लगाते हो ये इस एम्पलीफायर पे सपोर्ट नहीं करते, चल जाएगा बट ट्रिप करेगा, प्रॉब्लम बाद में आएगी, तो फिर उसको फेस करने से बेटर है कि आप एक मोनो एम्प चैनल पे इन्वेस्ट कीजिए। हमने आपको सबवूफर की रेंज दिखा दी, एम्पलीफायर की रेंज दिखा दी, मतलब जो बोलोगे भैया के पास आपको मिल ही जाएगा। अब थोड़े से कोएक्सियल स्पीकर की रेंज भी हमारे पास काफी सारी, कंपोनेंट की रेंज भी काफी सारी, सोनी पॉइंट तो काफी ज्यादा सुन लिया होगा आपने। अब बात करते भाई यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इन्फिनिटी का प्राइमस है, बिल्कुल स्टार्टिंग कह सकता हूँ मैं इसे, तो उसके बारे में धीरे धीरे सबके बारे में डिटेल देते हो। ये इन्फिनिटी का प्राइमस मॉडल है, जैसे जो बंदे कंपोनेंट नहीं प्रेफर करते नॉर्मल एक ही स्पीकर्स के अंदर आपको क्लैरिटी भी चाहिए बेस भी चाहिए उनके लिए ये चीज है, थोड़ा सा अपग्रेड भाई थोड़ा सा उसका धीरे धीरे सारे अपग्रेड आपको मिलते रहे। अब चलते हैं पावर बेस, जो आपने सुना भी होगा भाई थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। ये पावर बेस ब्रांड का स्पीकर है, 150 आरएमएस का अंदर है, ये जैसे जो कंपनी फिटेड स्पीकर्स के होते हैं उसके साथ आप कंपेटेबल है, उस हिसाब से आपको एमटीएक्स भी मिल जाएगा आपको,
ये भी यूएसए का ब्रांड है, ये रेड कोन के अंदर इनबिल्ट ट्यूटर है, इसके अंदर शार्पनेस काफी है, क्रिस्प रहती है आवाज इसकी काफी। ये सारे जितने भी अपग्रेड्स आपको दिखाए ये सारे कंपनी फिट शीरो के साथ आप एड ऑन कर सकते हो, ना इसमें कोई वायर कट होगा आपका, प्रॉपर कपड़े टू कपड़े फिटमेंट होगी और क्लैरिटी भी काफी अच्छी रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया वायर कटिंग का जमाना भाई जा चुका है। ये ब्लॉक ऑन का टू वे स्पीकर है 280 वॉट्स का, ये जैसे अगर आप चार स्पीकर्स कार के अंदर लगा लीजिए तो काफी अच्छा इफेक्ट बूम इफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इसकी तरफ आते हैं पोल कॉडियो, भाई काफी अच्छा ब्रांड है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं। पोल कॉडियो का है ये कोएक्सियल स्पीकर, ये मेड इन यूएसए है, क्लैरिटी वाइज इन सबसे काफी बेटर है। गुरप्रीत भैया कहने का मतलब है स्टार्टिंग अगर आप यहाँ से करो जैसे जैसे आप पैसे मिलाते रहोगे बिल्कुल वैसे वैसे चीज आपको अच्छी होती है। अभी ये दिखा तो उसके बाद और अपग्रेड, फिर उसके बाद ये, फिर भाई इसके जैसे राहुल जी होता है ना छोटा बच्चा पहले पैदा होता है धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, ये चीज ऐसे ही करनी चाहिए हमेशा, कभी भी एक बारी में पैसा नहीं स्पेंड करना चाहिए, धीरे धीरे आप स्पेंड करोगे स्टेप बाय स्टेप, आपको डिफरेंस पता लगेगा कि साउंड की क्वालिटी का डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ रॉकफोर्ड की पंच सीरीज। हाँ जी रॉकफोर्ड की पंच सीरीज है, ये भी ओल्ड सीरीज है, ये भी बहुत रेयर है, इसका भी स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, काफी क्लैरिटी है इसकी, नॉर्मल जैसे प्राइम सीरीज आती है रॉकफोर्ड की उससे फार बेटर है, साथ में इसके अंदर क्रॉसओवर्स आते हैं और सिल्क डोम ट्यूटर्स आते हैं। मतलब गुरप्रीत देह के पास सारे रेयरेस्ट, पहले आप दुकान घूम लो हाँ। बाकी सारी अगर जो सामान ना मिले गुरप्रीत देह के पास हो भाई सारा सामान आपको, एक बार आप विजिट करिए स्टोर चाहे काम ना कराइए बट जो आपकी क्वेरी है वो आपकी सॉर्ट आउट। नेक्स्ट इसकी तरफ चलते पंक ऑडियो का, मैंने पंक ऑडियो के काफी कम देखे हैं। जी पंक ऑडियो की ये भैया पॉलीग्लास सीरीज है, नॉर्मल जो आती है आपकी पेपर कोन के अंदर आती है, और प्रीमियम चाहिए तो आपको हमारे पास सरविन रेखा के कंपोनेंट्स भी मिल जाएंगे। वायरिंग तो आपने देख ली होगी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वायरिंग है वैसे हमारे पास कंपोनेंट्स भी है, कोएक्सियल भी है, एम्पलीफायर्स भी है, तो सारी चीजें अवेलेबल है, जैसा आपका बजट हो वैसी हमारे पास चीजें अवेलेबल, मतलब जो बजट लेके उसमें सारा काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी तरफ आते सियाज में हमारा मिडबेस लगा था, यही मिडबेस था। जी भैया ये मिडबेस ये लगा था, ये 1500 RMS का है स्पीकर और साथ में ऐसे बुलेट ट्यूटर्स लगे थे, बट उसके अंदर हमने पाइनियर के इक्वलाइजर और डीएसपी यूज करे थे, हमारे पास पंक ऑडियो का भी इक्वलाइजर है 7 बैंड, ये तो हमारा वैसे ही हो गया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो वो हमने उसके अंदर भी यूज करे। सियाज में जो मैंने देखा हमारे पिलर में कस्टम पॉड्स बन रखे थे, क्या वो कोई सी भी गाड़ी में बन सकते हैं? हाँ वो किसी भी कार में बन जाते हैं, बट उसके लिए 2 से 3 दिन का टाइम चाहिए होता है। अच्छा टाइम, देखो कॉमन सी बात है, गाड़ी में काम करा रहे हो पैसे लगा रहे हो तो अगर टाइम नहीं दोगे तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा आपको? सब कुछ हमने आपको दिखा देगा, सारी डिटेल हमने आपको दे दोगे। गुरप्रीत भैया एक बार एड्रेस बताओ। मेरी शॉप का नाम है बिंद्रा मोटर्स और मेरी शॉप का एड्रेस है F78 वीरेंद्र नगर ऑपोजिट डेली हाट, जनकपुरी में जो डेली हाट है उसके बिल्कुल सामने शॉप पड़ती है, ये लैंडमार्क रहेगा आपका। सो गाइस ज्यादा कुछ नहीं करना भाई, डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल लिंक मिल जाए, कहीं से भी आ रहे बड़े प्यार से पहुंचोगे। अच्छा गुरप्रीत भैया आप मेरे को चीज बता रहे थे कि आप रेंट पे कैरियर भी देते हो। हाँ जी हाँ जी, हमारा रेंट पे कैरियर, उसका हिसाब किताब बताओ कैसे? उसमें क्या होता है जैसे अब आपने कहीं छोटा प्लान कहीं कर लेते हैं, छुट्टी आती है कहीं जाते हैं तो कई बार लगेज नहीं आता कार के अंदर, ऊपर रखना पड़ता है, बिल्कुल रखना पड़ता है, तो उसके लिए फिर कैरियर लेना पड़ता है, परमानेंट फिक्स हो जाता है, परमानेंट फिक्स हो जाता है, लुक भी डिक्रीज कर देता है गाड़ी की। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास एक ऑप्शन है, हम रेंट पे भी कैरियर प्रोवाइड करते हैं, जैसे अगर आपको 4 दिन 5 दिन के लिए चाहिए तो आप रेंट बेसिस पे भी हमसे कैरियर ले सकते हैं। तो गाइस गुरप्रीत भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, एक बार आप नंबर ही बता दो गुरप्रीत भैया। मेरा मोबाइल नंबर है 9871807131। हमारी 7 डेज शॉप ओपन रहती है, कोई दिन छुट्टी नहीं है भाई, और सुबह 11 से लेकर 9 बजे तक आप कभी भी कॉल कीजिए। हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है हमारे शॉप के नाम से, बिंद्रा मोटर्स के नाम से, तो आप उसमें भी आप जो जो हम अपडेट करते रहते हैं। अगर रेगुलर तो मैंने तो आज आपको दिखा दिया, सियाज दिखा दिया, अगर रेगुलर कोई और गाड़ी ऑल्टो देखनी है स्विफ्ट देखनी है आपको तो भैया के चैनल पे आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको फोन नंबर दे दूंगा, भैया का यूट्यूब चैनल तो भाई देखना मत भूलना। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई लाइक करे बिना मत जाना, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो यहाँ तक वीडियो देख ली भाई सब्सक्राइब करके जरूर जाना, शेयर नहीं करो दोस्त फैमिली मेंबर्स तक फैला दो, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको आज की वीडियो। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम ना भाई ऐसे करते हैं ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।